बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि दुबई ने जो है वो ऐलान कर दिया है, अब जिसके पास वीज़ा वैलिड है वो दुबई में ट्रैवल कर सकता है। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हम उधर जाते हैं तो हमारा कोरोना का टेस्ट होगा, 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आपको पूरी डिटेल्स बताऊँगा, एंड तक आपने देखना, छोटी सी वीडियो है। और आपको सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। और आपको बताते चलें, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं, बहुत बड़ी तादाद दुबई में वापस जाने के लिए तैयार है, और अब आप उधर जब पहुँचेंगे तो आपका जाते ही कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। दुबई हुकूमत ने एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो है 111 से ज़्यादा होटल्स बुक किए हुए हैं। जैसे यहाँ से कोई जाता है उन होटल में जाके ठहरता है, उनको ना बाहर निकलने दिया जाता है, ना ही किसी से मिलाने दिया जाता, ना ही कोई आपसे मिल सकता है। और आपको बताते चले, जब आप यहाँ से जाएंगे कोरोना का टेस्ट होगा, अगर उसमें आया कि कोरोना है, पॉजिटिव हुआ तो आपको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा, अगर उसमें हुआ कोरोना नहीं है तो फिर आपको होटल में 14 दिन ठहराया जाएगा। और जैसे 14 दिन ख़त्म होंगे फिर आपका दोबारा टेस्ट होगा, अगर कोरोना ना आया तो फिर आपको घर भेज दिया जाएगा, अगर उस पर कोरोना आया तो फिर हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। यह हर एक के साथ होगा जो यहाँ से चाहे टूरिस्ट वीज़े पे जाए, विज़िट वीज़े पे जाए, रेजिडेंट परमिट पे जाए, तो उसके साथ ये अभी दुबई करेगा। आगे चाहे नज़रसानी कर दे, जैसे UK ने किया, अब क्वारंटाइन होटल में नहीं किया जाता, अपने घर में रखते हैं, तो वो अलग बात है। अभी तक अभी उनका स्टिल जो है यही फ़ैसला है। अपना ख्याल रखें, इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी हमेशा हिफाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।